ओम शांति। नागपुर में प्रातः क्लास चल रहा था 28/7/1964 मंगलवार। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी, अभी कर्मातीत अवस्था को पहनने के लिए, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे कोई मत समझो कि कोई कर्मातीत अवस्था में आ गया है तब की बात। ये कब की बात बोले? 1964 की बात बोले। अभी भी कोई भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया हुआ है। नहीं, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। कर्मातीत अवस्था उसको कहा जाता है जो फिर शरीर को कोई भी दुख न हो, और अभी तो सबके शरीर को दुख होता ही रहता है। ये जो पुराना शरीर है इनको पिछाड़ी तक दुख होता है, कृष्ण को भी दुख हुआ था। जो गीता में कहते हैं कि कृष्ण का पिछाड़ी में बाण मारा, फलाना हुआ, तो होता है ना। तो ऐसे कोई मत समझे कि कोई भी अभी 16 क्लास संपूर्ण हो चुका है। 16 क्लास संपूर्ण होना उसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यानी कि जो भी कर्म का बोझा था, जो भी भोग था, वो सभी योग बल से अथवा ईश्वरीय सेवा के बल से अथवा कर्म भोग से अथवा धर्मराज के द्वारा भस्म हो गया। जब तक तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने वाले हो तब तक तुम्हारे ऊपर तूफान, कर्म का हिसाब किताब की भोगना, ये चलती ही जाएगी। अभी उसका तो कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। ये तो एक ला कहता है। अभी वो कैसे हो सकता है? कर्मातीत बनने के पुरुषार्थ में कैसे रहते हैं? बाप कहते हैं, हे बच्चे अशरीरी भव, और बाप को याद करो। देह का अभिमान छोड़ो। अंग्रेजी में भी अक्षर है ना, बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, यानी देही अभिमानी भव।
ये अक्षर कहां से आए हैं? देही अभिमानी अक्षर है, कहां से शुरू हुआ है? अरे कौन से युग से शुरू हुआ? सतयुग से कि त्रेता से कि द्वापर से कि कलयुग से है? ये अक्षर अभी गाए जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस देही अभिमानी भव, कहेंगे ना सोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस। नहीं तो यहां कोई को थोड़े ही पता है कि देही अभिमानी भव या देह अभिमानी भव क्या होता है, ये कोई को भी पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। सोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस का अर्थ क्या है कोई एक भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि बॉडी कॉन्शियस तो हम शरीरधारी बन जाते हैं और सोल कॉन्शियस तो हम अकेला होकर के बाप को याद करते हैं, क्योंकि अभी हमको बाप के पास जाना है। नॉलेज तो तुम्हारे पास है ना, ये नॉलेज बाप ने दिया है ना, और मनुष्य तो सिर्फ अक्षर रिपीट करते हैं, वो कोई अर्थ नहीं जानते हैं। भले कोई भी हो, क्योंकि हमको अभी सोल कॉन्शियस बनना है, यानी सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करना है। किसने कहा हमको? हमको सोल कॉन्शियस बनना है, ये किसने कहा है? हमको ब्रह्मा बाबा कहेंगे, मुझको? हमको बहुवचन है, एक वचन है, तो कौन कौन ने कहा है? रामकृष्ण की आत्मा के लिए कहा गया हमको सोल कॉन्शियस यहां बनना है, और तो कोई अर्थ ही नहीं जानते हम। जो देह अभिमान में फंस पड़े थे, अभी सोल कॉन्शियस हम आत्मा हैं, और बाप को हमको याद करना है। 28/7/64 की वाणी का चौथा पेज। वो भक्त अगर कहते हैं सर्वव्यापी है, तो वो सभी बाप हैं, फिर किसको याद करे? सर्वव्यापी है और सभी सर्वव्यापी है, सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो याद करने की बात उठती है। तो देखो, उन लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता है। तुम बच्चों को तो अभी बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चे तुम सर्विस करो, तुम किसको भी बोलो कि हम यही भारत को सच्चा स्वराज्य दिलाने के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत को सच्चा स्वराज्य दिलाने के लिए न कि कांग्रेस का स्वराज्य है, किसको स्वराज्य दिलाने के लिए? भारत, जिनकी मन बुद्धि काय में रत, भाव माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है, ऐसी आत्माएं अभी भारत में बंधन में है। उनको कोई पूछता नहीं है। जो देह अभिमानी है दुनिया में उनका ही बहुत मान सम्मान है, और भारत में तो इन कांग्रेसियों का राज्य है। क्या कई की रेस, कांव कांव की रेस में जो लगे हुए हैं, कितनी भाषणबाजी करते हैं। जैसे कौओं की इकट्ठी कांव कांव होती है ना, ऐसे कांव कांव करते रहते, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। उन्हें कांग्रेसियों का हेड क्या कहता था? कौन था हेड? बापूजी। क्या कहता था? हम राम राज्य लाएंगे। और उन बापूजी के फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? हैं? राम राज्य दिल्ली को क्या बनाए रहे हैं? परिस्थान बनाए रहे हैं। कितनी सजावट में लगे हुए हैं। यह हद के कांग्रेसियों की बात है, यह बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के कांग्रेसियों की भी बात है। वो कौन से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं? है? वो भारत को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं या क्या कहते हैं? है? वो क्या समझते हैं? अरे वो कौन सी कांव कांव करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? हैं? हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। अब देखो, उन कांग्रेसियों में राजा ही तो है नहीं, है? कोई एक कंट्रोलर है? कोई एक ईश्वर का बच्चा है? ईश्वर माने क्या? ईश्वर माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासनकर्ता कौन है? ईश्वर ही है। कैसा शासन? पुलिसिया राज्य है, पुलिस का खौफ दिखाने वाला राज्य है? है नहीं, हिंसा का राज्य, मिलिट्री कैठी की भगवान ने, है नहीं? भगवान ने तो कौन सा राज्य स्थापन किया? सारी दुनिया के दिल में स्थापन किया, विश्व की बादशाही का राज्य हिंसा से मिलता है या स्नेह प्रेम से मिलता है? स्नेह से मिलता है। ऐसा श्रेष्ठ शासन करके दिखाया किसने? हैं? हिटलर ने, नेपोलियन ने, हैं? कितने कितने बड़े बड़े आक्रमण किए, कितना खून खराबा किया, क्या महत्वाकांक्षा लेकर के आए थे? हम सारी दुनिया पर अपना राज्य करेंगे, झंडा फहराएंगे। फिर क्या हुआ?
फिर आया राम गया राम। तो ये एक बेहद के बाप का काम है जिसे ईश्वर कहा जाता है। और ईश्वर के बच्चे है? अरे बाप का खून बाप के बच्चों में दौड़ता है या नहीं दौड़ता है? तो ईश्वर के बच्चे भी क्या करेंगे है? अरे अपनी मत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज्य की स्थापना करेंगे क्या? करेंगे? मनुष्यों की मत पर करेंगे है? दीदी दादी दादाओं की मत पर करेंगे? किसकी मत पर करेंगे? एक बाप की मत पर करेंगे। तो देखो इस कांग्रेस राज्य में कोई राजा नहीं है, कोई राजा ही नहीं है। राजयोग से राजाई मिलती है या प्रजायोग से राजाई मिलती है? है ये जो नेताएं हैं कांग्रेस के वो प्रजा की चापलूसी करने में लगे रहते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है या एक की चापलूसी करते हैं है? ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। ये भगवान का स्थापन किया हुआ राज्य नहीं है। स्वराज्य कहा गया है किसको? आत्मा माया के बंधन से, दुखों से बंधन से मुक्त हो जाए और नया शरीर लेकर के राज्य करे, तो हो गया ना स्वराज्य। स्व माने आत्मा, आत्मिक स्टेज में रहने वालों का राज्य, आत्मा का राज्य। स्व माना ही आत्मा, और आत्मा का स्वधर्म है शांत। क्या या लड़ाई झगड़ा मारा मारी? आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब ये तो तुम जान गए कि शांति के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, है? जाना है, शांति धाम नहीं जाना है, है? जाना है शांति के लिए। अच्छा, शांति धाम जाएंगे तभी शांति मिलेगी है? शांति धाम में जाने के बाद शांति मिलेगी, माने यहां शांति नहीं मिलेगी। सुख धाम और शांति धाम की स्थापना यहां करनी है या शांति धाम में जाने के बाद करनी है? यहां ही अनुभव करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। क्या? अरे ये अनुभव यहां करना है, है? जबकि बोला है शरीर सड़ते जावेंगे, बोला है कि नहीं? तो शांत रह सकेंगे है? है? कैसे? संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। ऐसे जैसे गीता में लिखा है कि जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति होता है
वो कितना भी दुख उसके ऊपर पड़ जाए, कितनी भी अशांति की स्थिति आ जाए, तो भी किस स्टेज में अनुभव करता है, जैसे कि दुख है ही नहीं, मना दुख को सहन करने की स्थिति आ जाती है, आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है। तो बोला, शांति के लिए कोई चाहे कि हम डिटैच होकर के बैठ जावे, तो सदा के लिए डिटैच होकर के बैठ सकेंगे है? नहीं बैठ सकते, क्योंकि कर्म तो करना ही है। कर्मधारा बिगर कोई भी रह नहीं सकता। क्या कहा? नहीं रह सकता है? अरे, सन्यासी कर्मधारा को रोकते हैं या नहीं रोकते हैं? है? नहीं रोक पाते, घर बार छोड़ देते हैं है? कर्म करते हैं। जो अच्छे अच्छे सन्यासी होते हैं, बहुत बढ़िया सन्यासी, घर बार त्याग देते हैं, वो कर्मधारा को छोड़ नहीं देते हैं? अरे, कर्मधारा का मतलब क्या है? है? कोई भी कर्म, इंद्रियों का कर्म छूट जाता है क्या? है? अगर मान लो हठ पूर्वक स्थूल में छूट भी गया, तो मनसा में, स्वप्न में आता है या नहीं आता है? और स्वप्न में आएगा तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? है? तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ है नहीं हुआ। स्वप्न में जब जाएंगे तो उस समय जब स्वप्न नहीं होता है, जागृत अवस्था में होते हैं, उस समय तो हठपूर्वक कंट्रोल कर लेते हैं इंद्रिय को, फिर स्वप्न की अवस्था में इंद्रियां कंट्रोल हो पाती हैं? नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है, क्या? कर्म किए बगैर एक क्षण भी कोई नहीं ठहर सकता। आप खोलेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं देखेंगे है? ग्राण इंद्रिय से श्वास लेना छोड़ना करेंगे या नहीं करेंगे? अरे, कान से, कान भी तो इंद्रिय है, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आवाज को, आवाज को ग्रहण करेंगे ना है? तो कोई भी कर्म इंद्रिय हो, उस कर्म इंद्रिय की धारा को कोई नहीं रोक सकता। डिटैच होकर के कोई लगातार के लिए बैठ ही नहीं सकता। तो कर्म तो करना है, क्योंकि हम कर्मधारा के बगैर रह नहीं सकते। हम बैठ सकते हैं अशरीरी होकर के। तुम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो तुम बहुत समय बाबा की याद में जैसे कि अशरीरी होकर बैठे रहेंगे। हम तो आत्मा है, ये तो हमारा आर्गन है। अब हम इस बाजा को नहीं बजाएंगे, परंतु बाप फिर पूछेंगे कैसे नहीं बजाएंगे और कब तक नहीं बजाएंगे, क्योंकि वो सन्यासी तो
इंद्रियों को हठ पूर्वक बस में कर देते हैं या अशरीरी हो जाते हैं। वो तो ऐसे नहीं बैठते हैं जैसे तुम बैठते हो, वो तो प्राणायाम चढ़ाई देते हैं और प्राणायाम चढ़ा करके कुंभक क्रिया की प्रैक्टिस करते हुए कितने भी दिन वो नीचे जमीन में जाकर बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु कैसी अवस्था में जाने का अभ्यास करते हैं? निल अवस्था में जाते हैं या चैतन्य स्टेज में जाते हैं? हैं? निल स्टेज में चले जाते हैं। और तुम तो आत्मा की, आत्मा का जो असली स्वरूप है क्या है? हैं? चैतन्य सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, उस चैतन्य स्वरूप में टिकते हो तुम, कोई निल अवस्था में नहीं रहते हो। वो तो निल अवस्था में जाने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते फिर वो लोग खड्डे में जाकर बैठते हैं। क्या क्या कहा? अभ्यास करते करते कहां जाकर बैठते हैं? खड्डे में जाकर बैठते हैं। कौन है? दुनियावी सन्यासी सिर्फ? अरे ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी भी? क्या वो भी ब्राह्मण है ना? ब्रह्मा की औलाद है या नहीं है? वो भी अभ्यास करते करते खड्डे में जाके गिरते हैं, बैठते हैं, अनेक प्रकार का योग करते हैं, हठ योग। तुम बच्चों को तो कोई भी तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो अपनी आत्मा को जानना, सो भी जानते हो। सिर्फ परमात्मा को पूरी रीति नहीं जानते हो, पूरी रीति है। परमात्मा को सब आप पूरी रीति जानते हैं क्या? जानते हैं कि नंबरवार जानते हैं? हाँ, तो आत्मा को तो जानते हो कि आत्मा है ये। मनुष्य से सिर्फ पूछा जाए ये नॉलेज है तुमको, किसकी नॉलेज है? नॉलेज तो दुनिया में अनेक प्रकार की होती है। गॉडफादर की नॉलेज है, तुम उनको जानते हो, कोई नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो कह देते हैं हाँ हम गॉडफादर को जानते हैं, वो सर्वव्यापी है। क्या जानते हैं? हैं? जानते हैं क्या कि वो सर्वव्यापी है? देखो कोई भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानते, नहीं जानते हैं? अरे हम बच्चे नहीं जानते क्या? हैं? नहीं जानते? जानते हैं, आज जानते हैं, कल कोई कान में नई बात फूंक देता है। ज्ञान अविविचारी से विविचारी बन जाता है और गॉडफादर की नाली जोड़ जाती है। ऐसे होता है या नहीं होता है? तो फिर 100% जानते हैं है? अरे जानते हैं। अरे कोई कहे भी हां हम जानते हैं, पक्का पक्का जानते हैं, उनसे पूछा जाए
क्या माया ने आपकी फाइनल परीक्षा ली है? है? तो दुदलाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फादर की नॉलेज किसके भी पास नहीं है। नॉलेज को कहा जाता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान माने जानकारी, सिर्फ बाप की। अरे बाप में तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या बीज में सारा संसार, जड़ जंगम सारा संसार समाया हुआ है। अरे आम का बीज हमने जान लिया, ये आम का बीज है, तो सारा वृक्ष बुद्धि में आता है या नहीं आता है? आ जाता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है परमपिता परमात्मा, जड़ जंगम सारा संसार। ये शरीर क्या है, जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। और आत्मा चैतन्य है। तो जो सारा संसार जड़वत है, पांच तत्वों का पुतला ये शरीर है, उसका बीज कौन? कोई है ना? और जो आत्माएं चैतन्य है, उन चैतन्य आत्माओं का कोई बीज है? कौन? प्रजापिता। चैतन्य आत्माओं का बीज है? हैं? हैं। शिव ज्योति बिंदु। और आत्मा और शरीर दोनों का मेल है जीवात्मा। तो जो जीवों का बीज है उसको कहा जाता है शिव बाबा, परमपिता प्लस परमात्मा, उसको कहते हैं ज्ञान गॉडफादर। जो आकर के नॉलेज देते हैं, उनकी नॉलेज उनके सिवाय दुनिया में कोई नहीं दे सकता। न कोई ब्रह्मा कुमार दे सकता, न कोई पीवी के दे सकता, न कोई दुनिया के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, जानकार हैं, वैरायटी नॉलेज के जानकार, वो भी नहीं दे सकते। तो कहा जाता है, पूछा जाता है, किसका ज्ञान? गॉड फादर का ज्ञान। ज्ञान का अक्षर आता ही है कि तुमको ज्ञान है, किसका ज्ञान है? ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है ना, किसम किसम का ज्ञान है, है? होता है कि नहीं? स्पेशलिस्ट दुनिया में होते हैं ना, भांति भांति की जानकारी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो गॉड फादर का ज्ञान है, पूछेंगे तो कहेंगे हाँ है, सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है ज्ञान या अज्ञान? है सत ज्ञान, सच्चा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान? इसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान। तुम अभी जानते हो कि हम फादर को जानते हैं, फादर ही आकर के सबकी सदगति करते हैं, है? आकर के करते हैं, आने के बाद चले जाएं तो सदगति नहीं होती,
है, अरे ब्रह्मा के तन में आए फिर चले गए, ब्रह्मा का तन ही छूट गया तो फिर सदगति नहीं हो सकती क्या है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान तो ले लिया ना, ज्ञान मिल गया, स्वर्ग क्या है नरक क्या है, तो फिर ज्ञान मिलने के बाद सदगति नहीं कर सकते अपनी और दूसरों की हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कभी किसी ने पूछा है बेसिक वालों से हैं? क्या पूछेंगे हैं? तुम गॉडफादर गॉडफादर कहते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो, तो परमात्मा के बगैर कोई सदगति कर सकता है क्या है? सदगुरु के बगैर कोई सदगति कर सकता है क्या? सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है, तो सदगुरु साकार के बगैर सदगति नहीं हो सकती। और इस सृष्टि को पतित से पावन भी कोई नहीं बना सकता। पतित सृष्टि है, उस पतित सृष्टि को पावन कौन बनाएगा है? जो जो स्वयं एवर प्योर हो, जिस एवर प्योर की निशानी सिर्फ भारत में ही शिव के मंदिरों में नहीं है, सारे विश्व में वो लिंग मूर्तियां खुदाई में पाई गई हैं। इससे क्या साबित होता है? और सबसे जास्ती तादाद में पाई गई और मूर्तियों की संख्या के मुकाबले, उससे क्या साबित होता है? हैं? साबित क्या हुआ हैं? सारी दुनिया का एक ही बाप है, जो आकर के पतित से पावन बनाते हैं, जो स्वयं एवर प्योर है, जिसकी निशानी शिवलिंग जलाधारी में रखा हुआ है, वो संपन्न स्टेज है या अधूरी स्टेज है? है संपन्न स्टेज है, माना और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, पशुओं की आत्माएं हैं, पक्षियों की आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़ों या इंसेक्ट की आत्माएं हैं, वो सब पतित होती हैं संसर्ग संपर्क में संबंध में आने से। वो एक ही आत्मा का ऐसा गायन है, किसका? जिसको हम मंदिर में जाकर भक्ति मार्ग में हाथ जोड़ करके नमन करते थे, शिव बाबा, शिव प्लस बाबा। शिव किसकी यादगार और बाबा किसकी यादगार? शिव है ज्योति बिंदु की यादगार, जो लिंग में दिखाया जाता है। आदि में जो सोमनाथ मंदिर बना था सात्विक स्टेज में, वो एक्यूरेट बनाया था, बड़ा लाल पत्थर लिंगा का, और उसमें क्या जड़ा हुआ था? बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है शिव की यादगार, जो सदैव ही बिंदु है, बिंदु का नाम ही शिव है। और लिंग किसकी यादगार है? लिंग उस साकार संपन्न स्वरूप की यादगार है, जो पुरुषार्थ संपन्न होने पर
देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, करते हुए भी नहीं करता। शिव समान स्टेज धारण कर लेता है। जैसे सेवा करता है सदा काल के लिए, सेवा भोगता है सदा काल के लिए, सदैव ही कर्म बंधन से न्यारा है। तो क्या शिव भगवान इस शक्ति पर आकर के कर्म करना छोड़ देता है? है? मनुष्यों के समान कर्म नहीं करता। जो कर्म मनुष्य करते हैं वो सारे कर्म वो करता है या नहीं करता है? तो कर्म बंधन से न्यारा है या कर्म बंधन वाला है? क्यों क्यों कर्म बंधन से न्यारा है? क्योंकि बुद्धि योग सदैव परम धाम वासी है। क्या? जैसे आत्माओं के लिए बताया, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के लिए बताया, संगात संजायते काम, इंद्रियों का संग करने से कामना उत्पन्न होती है, वो कामना उसको उत्पन्न नहीं होती। और हम आत्माओं को संग करने से कामना उत्पन्न होती है, तो वो काम जीत कहा जाता है। क्या किया उसने? कामदेव को भस्म कर दिया। वो ही आकर पति सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चियां हो मिशन पर, बाप की मदद से कि हरेक मनुष्य मात्र को पति से पावन बनाए, अभी पति से पावन बनाए कर कहां जाएंगे? पति से पावन बनकर फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। पावन बनकर के जाएंगे या वहां जाकर के पावन बनेंगे? पावन यहां बनेंगे और फिर मन बुद्धि रूपी आत्मा से पावन धाम जिसे कहा जाता है। सबसे पावन धाम कौन सा है? दुखधाम, सुखधाम या शांति धाम? सबसे जास्ती पावन धाम है शांति धाम। क्यों? सुखधाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कारण बताएं। क्योंकि परम धाम में जो रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक अंश मात्र भी पतित आत्मा नहीं होती, और सुखधाम में पहले ही जन्म से है कलाएं कम होने लगती है या नहीं? कलाएं कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, उनका सुख भोग करने से आत्मा पतित जरूर बनती है। हां, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने से सूक्ष्म सुख होने के कारण पतन कम होता है, और दुखधाम में भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने के कारण पतन तीव्रता से होता है। उसमें भी जो अभिविचारी होते हैं कर्म इंद्रियों से, उनका पतन जो विविचारी होते हैं, जैसे इस्लामी, उनके मुकाबले
बहुत कम पतन होता है। इसलिए जब युद्ध होता है इस्लामियों में मुसलमानों में, मुसलमानों से इस्लामियों से या क्रिश्चियन से, तो कौन सी कौम जीत पाती है? हिंदू तो बेविचारी हो जाते हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। कोई ऐसा धर्म है जो मुसलमानों का आक्रमण हो चाहे क्रिश्चियंस का आक्रमण हो, हिंदुओं ने उतना बलिदान नहीं दे पाया क्योंकि कमजोर हो गए, लेकिन कौन से धर्म वालों ने सहयोग दे दिया हिंदुओं को? सिख धर्म वालों ने। क्या कारण था? है एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये उस धर्म का नारा है। इसलिए उनमें वो पावर रहती है कि मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे कितने भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो, लेकिन युद्ध भूमि में उनसे टक्कर लेने से बहुत घबराते थे। तो देखो पतन का रास्ता क्या क्या हुआ है? पतन का रास्ता है सुख भोगना। ज्ञानेंद्रियों से जो सुख भोगते हैं देवताएं, उनका पतन धीरे धीरे होता है। कर्म इंद्रियों से जो मनुष्य है, द्वापर युग से मनुष्य कहे जाते हैं या देवताएं? क्यों हैं? क्योंकि मन चलाए मानो हो जाता है, मनन चिंतन मंथन करने लग पड़ता है। देवताएं मनन चिंतन मंथन करते हैं? नहीं। तो वो देवताएं हैं और ये द्वापर युग से द्वैतवादी चलन चलने वाले मनुष्य कहे जाते हैं। वो मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने के कारण तीव्रता से पतन की ओर जाते हैं। उनमें भी जो विविचारी बनते हैं, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उनका पतन तो और ही तीव्रता से होता है। उनका पतन होता है, वो बहुत पतित होते हैं। इसका प्रूफ क्या है? अरे कोई प्रूफ होगा तभी मानेंगे। बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान लेते हैं? तो बताओ है? उनका जास्ती पतन हुआ इसका क्या प्रूफ है? झगड़ा है? कोई नहीं। क्या बताया? झगड़ा? क्यों? हिंदू नहीं झगड़ते आपस में। अरे यहां की गवर्नमेंट में आज की दुनिया में जितना झगड़ा है, इतना तो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट में झगड़ा नहीं। स्टेट के आधार पर झगड़ा, भाषा के आधार पर झगड़ा, धर्म के आधार पर झगड़ा, जो भी आधार ले लो झगड़ा ही झगड़ा। जाति के आधार पर झगड़ा। दूसरे धर्मों में इतना झगड़ा है, है? तो ये बात तो नहीं रही। तो क्या कारण बताएंगे? अगर दूसरे धर्म वाले कहें कि हम ज्यादा पतित हो गए हैं, ज्यादा नीचे गिर गए हैं, है? सबसे पुराना है, सबसे पुराना है तो ज्यादा पतित है या ज्यादा पावन है? नियम क्या है? जो ज्यादा पुराना होता है
वो ज्यादा पतित बनता है, जो नया धर्म होता है वो ज्यादा पतित बनता है। तो कैसे साबित करेंगे? उसका प्रमाण है गीता। गीता भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता में जितना गहरा ज्ञान है उतना गहरा ज्ञान दुनिया के किसी भी धर्म में, कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं है। ये प्रूफ है या नहीं है? है? ये प्रूफ है कि भारतवासी जितने मनन चिंतन मंथनशील रहे उतना और धर्म के लोग मनन चिंतनशील नहीं हो पाए। कुरान को उठा के देख लो, मिलिट्री की तरह आर्डर ही आर्डर, आर्डर ही आर्डर, ज्ञान की कोई बात नहीं। बाइबल को उठा के देख लो, अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा। गीता में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तो भारतवासी, अभी अंत की बात छोड़ दें, क्योंकि अंत में तो जो भारतवासी हैं वो पूरे ही विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए नास्तिक जैसे बन पड़ते हैं। बाकी और पूर्व जन्मों में जितने मनन चिंतनशील भारतवासी होते हैं, और मनन चिंतन भी एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, वो कहेंगे हम ज्यादा मनन चिंतनशील हैं। देखो हमने एटम बम बनाए, तुमने बनाए क्या? अरे एटम बम बनाना ये निगेटिव ज्ञान है या पॉजिटिव है? ये तो निगेटिविटी का ज्ञान है, ये तो संसार को ध्वंस करने का मार्ग है। कहेंगे जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। खुद भी जानते हैं कि अगर इन एटमिक एनर्जी का हमने प्रयोग किया तो हम भी खलास हो जाएंगे। डर भरा रहता है, इसलिए बोला कि तुम पावन बन करके पावन दुनिया में जाएंगे, फिर वहां वो पावन क्या करेंगे? वहां फिर तुम्हारा पावन राज्य चलता है, उसको दैवी राज्य, वाइसलेस किंगडम या बादशाही कहा जाता है। वहां तुम ऐसे बनेंगे दिव्य देवता, तो फिर तुमको सीखना पड़े बादशाही। क्या है? कैसी बादशाही? द्वापर कलयुग में भी बादशाह होते हैं और सतयुग त्रेता में भी बादशाह होते हैं, क्या अंतर है? हैं? वो बादशाह हिंसा का राज्य चलाते हैं और तुम हैं? तुम आधा कल्प अहिंसा का राज्य चलाते हो, तो बादशाही तुमको सीखना पड़े। उस बादशाही का मूल सिद्धांत क्या है? हैं? मूल सिद्धांत है बाहुबल वाले हैं विनाश को पाएंगे, अर्थात विनाशी दुनिया में जाएंगे, और तुम आत्मिक बल को प्राप्त करते हो, देहभान को छोड़ते हो, अहिंसा के रास्ते को अपनाते हो। न शस्त्र की हिंसा,
न कर्मेंद्रियों की हिंसा। तो देखो ऐसा राजयोग भगवान बाप आकर के सिखाते जिससे तुम ऐसे अहिंसक राजा बनते हो और तुमको पावन भी बनाते हैं। पावन दुनिया के लिए तुम बच्चों को फिर टीचर बन करके सृष्टि के चक्र का ज्ञान देते हैं जिससे तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राज्य करते हो। क्यों? सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चे ही लेते हो, तुम भी ब्राह्मण हो, वो बेसिक में भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद नहीं है, वो सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं लेते। अरे लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं। फिर क्या अंतर है? उनका सृष्टि चक्र का ज्ञान है रट्टा लगाना, सत्युत्रिता द्वापर कलियुग संगम युग, सत्युत्रिता द्वापर कलियुग संगम युग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं रट्टा लगाते हैं ना, श्लोक रट लेंगे, चौपाई रट लेंगे, दोहे बरवे रट लेंगे, रटे हुए दूसरों को सुनाई देंगे। उनका गुही अर्थ में जाना बच्चों को नहीं आता है, परंतु तुमको ऐसा सुप्रीम टीचर मिलता है जो तुमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। तुम ऐसा ज्ञान लेकर के ऐसे रिसर्च करने वाले रिसर्च स्टूडेंट बन सकते हो, बन जाते हो, जो अपने 84 जन्मों को भी जान जाते हो। तो बाप आकर टीचर बनकर के ये सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। अरे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को दिखाया जाता है, है? 84 जन्म लेने वाले कृष्ण को दिखाया जाता है, फिर हम बच्चे कैसे सुदर्शन चक्रधारी? कृष्ण 84 जन्म लेने वाला तो उसकी डायनेस्टी भी यथा राजा तथा प्रजा, पूरे 84 जन्म का ज्ञान लेने वाले। और विष्णु कौन से लोक में होता है? सतयुग में होता है या संगम में होता है? विष्णु तो उससे भी ऊंची स्टेज है, तो विष्णु के बच्चे भी क्या हुए? वैष्णव संप्रदाय हुए। विष्णु को सुदर्शन चक्र है, 84 जन्मों का दर्शन उनको हो जाता है, तो तुमको भी अपने 84 जन्मों का दर्शन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी, अपने 84 जन्मों के 84 के चक्र को धारण करने वाले बुद्धि में, तो तुम चक्रवर्ती राज्य करते हो और तुम्हारी प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है। और जन्मों में जो राजाएं आए हैं, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, उनके राज्य में ये खसूसियत नहीं होती है प्रजा की, क्या? यथा राजा तथा प्रजा। कैसी है? एक ही मन चलेगा। कैसी? एक ही जन्म चलेगा। हाँ वो तो चलेगा एक जन्म, लेकिन खसूसियत क्या है जो पहले जन्म में होती है? वो उतने ज्ञानी नहीं बन सकते और तुम इतने ज्ञानी बन जाते हो।
कि तुम्हारे अंदर वो आत्मभाव आ जाता है कि जो भी राजा बनेगा वो अपने बच्चों का ही अच्छे से पालन पोषण का ध्यान रखेगा, यह सारी प्रजा को अपना बच्चा समझेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सिर्फ सुनने सुनाने की बात है, प्रैक्टिकल बातें। तो तुम बच्चों को ये गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। क्या क्या मिसाल दिया, क्या खासियत कमल फूल में है? अरे शिवलिंग है, कमल फूल समान है या नहीं है? है, शिवलिंग कहां पड़ा हुआ है? मंदिर में तो है, कहां पड़ा हुआ है? है, अरे अरे गौमूत्र की जगह में पड़ा हुआ है या नहीं है? बोलो, कीचड़ में है या नहीं है? कीचड़ में है, लेकिन लेकिन मन बुद्धि से उपराम। ऐसे कमल फूल समान तुम बच्चों को अपनी मन बुद्धि की शारीरिक स्टेज भी बनानी है। ओम शांति।